लोगों को भी बहुत मारे हैं। रीवा के हनुमना थाना अंतर्गत बिरहा प्रयाग दत्त गांव में चाचा ने किया अपनी भतीजी सहित दो महिलाओं पर प्राण घातक हमला। भतीजी सहित दोनों महिलाएं हुई बुरी तरह घायल। आरोपी फूलगेंद कुशवाहा के द्वारा अपनी भतीजी अंजलि कुशवाहा एवं दो अन्य महिलाओं के ऊपर बातचीत को लेकर प्राण घातक हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों महिलाएं सहित भतीजी पूरी तरह से घायल हो गई हैं। वहीं आसपास के लोगों के द्वारा आनन फनन में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमना ले जाया गया, जहां पर हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों के द्वारा रीवा रेफर कर दिया गया है। अंजलि कुशवाहा कहां गिरना? बिरहा प्रयाग। क्या घटना हुई है आपके साथ? वैसे हम लोग घर में थे, ये चाची खेत तरफ गई थी, फिर वहाँ से आई तो वो बड़े वाले चाचा का लड़का आया, तो इनसे बात कर रहा था, फिर वो चला गया तो आए बड़े वाले चाचा, बोले मेरे लड़के को बर्बाद की हो, फिर चाची को वो अंदर जाके बहुत मारे। फिर जब हम लोग देख जाने लगे उनको देखने, तो हम लोगों को भी बहुत मारे हैं। किसने मारपीट की? बड़े वाले चाचा फूलगेंद कुशवाहा। कब की घटना है? 12 बजे। नाम क्या है चाचा का? फूलगेंद कुशवाहा। फूल नयन? फूलगेंद। आपके द्वारा कहीं पे FIR की गई? हाँ, कहीं किए हैं, यही हनुमना में। अंजलि कुशवाहा कहाँ की है? बिरहा। क्या घटना? अरे हम खेत गए, खेत से आन तो आए, वो तो ओका लड़का पहले आवा, फिर वो से बोला था। किसके लड़के? देवरानी के, वो फूलगेंद का लड़का। फिर वो लौट के चला गया, और वो आए तो कहीं मेरा लड़का बर्बाद कर रहा है, कर रही है मेरा लड़का बर्बाद, और उसको मारे, फिर मेरे लड़की को मारे, हमको मारे। 12 बजे हाँ यहीं पर किए हैं थाने में। हाँ, पुलिस के द्वारा क्या कार्यवाही हुई? पुलिस के द्वारा रिपोर्ट अभी तो यही बुलाए हैं, फिर बोले बाद में वहाँ जाएंगे।